हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल वाइल्ड विंग राइडर्स। मैं हूं आपका होस्ट सिंधु दिलप्रीत सिंह। सो ये है हमारी प्यारी प्यारी नवी परी BMW 1000 RRM प्रो स्पोर्ट्स। सो मैं हूं मासूम की शॉप पे। कल ही मैंने बाइक ली है और बिना स्टॉक के तो बाइक चलाने का मजा कुछ था ही नहीं, एग्जॉस्ट के बिना। तो मैं हम इसमें लगवा रहे हैं एरो का फुल सिस्टम टाइटेनियम। वो अभी फिलहाल डिसअसेंबल सब कुछ हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ है जलज कुमार अपनी 10R पे। कहाँ है, गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो। एंड ये है हमारे मोहित भाई की, थोड़ा सा जूम ले लेंगे मोहित भाई पे, पैसा बहुत है इनके पास। इनकी ये है इनकी अवंती। अच्छा, आपको जलज कुमार से मिला देते हैं एक बारी। हाँ जी जलज कुमार जी, हेलो बोलिए एक बारी। हाँ जी भाई जी, हेलो हेलो, कैसे हैं? एंड ये है हमारे मासूम, बहुत मासूम है ये। आज इनकी दुकान पे मैं एग्जॉस्ट लगवाते हुए देखिए, ऑनर बढ़ता है आपके लिए भी। ये दिल्ली की पहली बाइक है, बल्कि सिर्फ चंडीगढ़ में एक बाइक बिकी है अभी तक नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो नॉर्थ इंडिया की सेकंड बाइक है और दिल्ली की पहली बाइक है। एंड इसका एग्जॉस्ट लगा रहे हैं अपने शुभ हाथों से हमारे मासूम। सो मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट भी दिखा दूँ। ये एग्जॉस्ट लेके आए हैं ये भैया जी, एरो की कंपनी से, लेकिन अभी पैसे पूरे दिए नहीं तो डब्बा नहीं खोलने दे रहे हमें। ये डब्बे की फोटो देखने खाने दो। सो अभी आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे। सो ये है हेडर, इसमें हेडर है कि लंबे वाले में हेडर है? इसमें हेडर है लंबे वाले में, और इसमें आई थिंक स्लिप ऑन है। सो ये फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट है। इसकी कॉस्ट मैं आपको अलग से बताऊंगा क्योंकि काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं, दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम शुरू करेंगे तो मैं इसका टाइमलेस बनाऊंगा एक बार, आपको फिर मिलता हूँ। हाँ जी लाइट्स देख लो तो कीजिए एक बारी हमारी प्यारी प्यारी बाइक को। हाँ जी, तो आ चुका है हमारा एरो का एग्जॉस्ट, एक और ब्लॉगर, और ये है डब्बा। खोलो ये डब्बा। अरे डब्बा पहले खुल चुका है, कोई बात नहीं, फिर से खोल लो एक बार। ठीक है, बताओ जी मासूम जी, क्या क्या इसके अंदर, कैसे कैसे? टाइटेनियम के भोपू हैं इसमें, टाइटेनियम के भोपू ये हमने इसको दे दिए हैं पकाने के लिए। घर में तो वो चूल्हा जलाता है। ये हेडर का, ये हेडर इसका कंप्लीट, ये कंप्लीट हेडर है, जैसे कंप्लीट हेडर है जी इसका, ये कंप्लीट हेडर है, ये कंप्लीट हेडर है। ठीक है जी, ये उसकी अटैचमेंट, एग्जॉस्ट तो निकाल लो यार अंदर को अंदर। हाँ, हाँ जी चलो जी। अब और ये है एग्जॉस्ट एरो, पकड़ एरो, हाँ पकड़िए भाई कहाँ पर। अब इस ये इसमें भी है, इसमें भी फोटो से। हाँ बेटा भाई भाई रुको, कहाँ पर रिकॉर्डिंग निकाल रहा है ना, अनबॉक्सिंग। तो अब इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, तो हो गई, अब अनरैपिंग करेंगे एरो के एग्जॉस्ट को, बाहर निकालेंगे टाइटेनियम एरो, टाइटेनियम क्या होगा इसको तो निकालो ना, आवाज कम कर सकते हैं हम, क्या फायदा, फिर तो स्टॉक ही लगे रहने दो, बाद में कम कर देंगे यार, क्या बात है तुम्हारी, लाउड है तो क्या भैया लाउड नहीं हो, ये क्यों ला रहे इसको लगे रहने दो। देखो टाइटेनियम की पहचान, ये देखो अंदर ब्लू नजर आ रहा है, और ये देखो इसके जॉइंट सारे, ये सारे ब्लू हैं। ये देखो ये कलर जो क्या कहते हैं, सतरंगी कलर, रेनबो इफेक्ट। मासूम इनमें लाया हो सब ये इफेक्ट फेल हो गए मासूम की दुकान पे फटाफट से। ये देखो ओरिजिनल टाइटेनियम, ब्लू ही ब्लू, हाँ ये है ओरिजिनल ब्लू ही ब्लू। ये इसका वेट बताया था कि ओरिजिनल टाइटेनियम बिल्कुल लाइट वेट है, और इसका ब्लू तो खैर आजकल खत्म, इसका एरो से कोई लेन देन नहीं है, टोटल मासूम मेड, ये मासूम मेड। अब बाइक स्टार्ट होने लगी है, पहली बार एग्जॉस्ट फिट हो चुका है। ये रहा एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम है ये। कागज
तो फाइनली अब हाँ भाई चालू कर दे अब। हाँ आ जाओ एकदम, पहली चालू स्टार्ट होने वाली है और स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट तक स्टार्ट रहेगी। आपने सुन लिया होगा जलज ने क्या बोला है, जलज कुमार जी स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट तक स्टार्ट रहेगी। रुक जाओ मूड पेट मोटा दिखता है। साउंड सुन रहा हूँ मैं भी, गूज बम्स आ रहे हैं मुझे क्योंकि बहुत प्यार है मुझे इस बाइक से। ऑब्वियस ही बात है भूसा से मुझे अपना प्यार था ही, लेकिन इससे नवी नवी ली है पहली टाइम मैंने, मेरी फर्स्ट बाइक है जो बिल्कुल मैंने नवी ली हो। तो एक बार 15 मिनट स्टार्ट रहती है फिर आपको एक बार इसका पूरा प्रॉपर साउंड सुनाते हैं। 1000 RR M4 Sport पर अपकमिंग व्लॉग्स के लिए पाजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाइड विंग राइडर सर्किट जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा बाइकिंग सुपर बाइक ग्रुप है, उस पर वीडियोज जो उसकी वीडियोज हैं राइड की सारी पाजी बनाते हैं। मैं संडे राइड जो है बहुत ज़्यादा कम कर पाता हूँ क्योंकि मैं मैक्सिमम सैटरडे संडे टूर पर रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं राइड करता हूँ तो हमारी राइड की वीडियो आती है, लेकिन पाजी हर संडे की वीडियो डालते हैं और वैसे भी जो राइड चलती रहती है वो भी पाजी वीडियो डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पाजी को सब्सक्राइब करें। वाइल्ड विंग राइडर्स है मेरा हैंडल और इंस्टाग्राम पर भी है, हाँ जी वहाँ पर भी सारी फोटोज मिलेंगी आपको। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, उस पर अपना ग्रुप है। नहीं मिला आपको साउंड सुनाने का, हम काफ़ी लेट हो गए थे, फिर छोटी सी गेड़ी के लिए चले गए थे क्राउन प्लेस, उसकी पिक्चर्स मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते फॉर अपडेट्स एंड लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ माई बाइक एंड हमारी राइड्स की पिक्चर्स जो भी हम क्लिक करते हैं वो हम शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे। तो मैंने क्या सोचा फटाफट एक छोटी सी एंडिंग बना ले वीडियो की, आपको एक बार साउंड सुना दे बाइक का एंड उसके बाद फिर आज का व्लॉग हम यहीं करके ख़त्म। सो एक बार आ जाओ फटाफट बाइक का साउंड सुना दो। सो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा लाउड है टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी इससे लाउड बाइक आज तक नहीं सुनी। ऐसा नहीं है कि मेरी इसलिए बोल रहा हूँ, बट सीरियसली शानदार दो एक बार आपको फ्लेम्स एंड लाउड बाइक बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड अब मैं ट्राई करूँगा हर वीक में एक दो वीडियोस डालता रहूँ। एंड मैं मेरे राउंड ऑफ 700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अभी, मेरा टारगेट है इस वीक के एंड तक 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ। और कुछ कहने के लिए मेरे कुछ खास है नहीं, ध्यान रखिएगा, राइड सेफ राइड हार्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। बस बंद कर दें।